यूपीआई पे नाउ के बीच हुई डील, भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट होगी आसान। यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है। पीएम मोदी ने आज क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस लॉन्च की है। यूपीआई को सिंगापुर की पेमेंट सर्विस पे नाउ के साथ लिंक किया गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इसे वर्चुअली लॉन्च किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब सिंगापुर के पे नाउ के साथ लिंक हो गया है। इसे पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग ने वर्चुअली लॉन्च किया है। अब भारत और सिंगापुर के बीच बहुत आसानी से और तेज तरीके से पैसे भेजे जा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एमडी रवि मेनन ने इसे शुरू किया है। इसे स्टूडेंट्स और अन्य नागरिकों को भी खास फायदा मिलेगा। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं।